मॉल्स और चमचमाते विदेशी फूड चेन काउंटर्स में मन लगाकर लाइन लगाने वाले फ्राइड चिकन, पिज्जा और बर्गर के शौकीनों, ये वीडियो आप सबके लिए खास बनाया जा रहा है। तो ये वीडियो अगर स्किप करने का सोच रहे हैं तो यही सही समय होगा, क्योंकि इस वीडियो में वो सारी गंदगी दिखाई जाने वाली है जो इन फास्ट फूड रेसिपीज में अगर ना यूज की जाए तो यार फ्लेवर नहीं आने वाला। और वैसे भी आप सभी कहते हैं ना कि घर पे रेस्टोरेंट का फ्लेवर कहाँ से आएगा, तो देख लो भैया जिस फ्लेवर के शौकीन हैं आप वो आता कैसे है। आपका दिल तोड़ने से पहले ही सॉरी बोल दे रहे हैं। तो चलिए जानते हैं तेजी से सर्व होने वाले इन लज्जतदार फास्ट फूड रेसिपीज का काला, डार्क काला सच, वो डिस्टर्बिंग फैक्ट्स जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। देखिए, ये बड़ी बड़ी कंपनियां आम लोगों को नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के नाम पर जबरदस्त बेवकूफ बना रही हैं। अगर आप नेचुरल का मतलब ये समझते हैं कि पेड़ और पौधे, तो दोबारा सोचिए। फ्रेंच फ्राइज से लेकर आइसक्रीम, चिकन से लेकर चॉकलेट तक, इन सभी में डाली जाती हैं अजीबोगरीब, चलो अजीबोगरीब तो ठीक है, पर अजीबोगरीब घिनौनी चीजें। जी हाँ, ये सच है। तो आइए देखते हैं कहां से आता है इनका ये 100% नेचुरल फ्लेवर। शुरुआत करते हैं मीठे से। वैसे मीठा तो अपने आप में जहर होता है, लेकिन चलो माना कि कभी कभार तो मीठे का भी लुत्फ ले ही लेना चाहिए। ऐसे में आइसक्रीम से बेहतर और कौन सा ऑप्शन होगा, है नहीं? खैर, अक्सर जब आइसक्रीम पार्लर पे हम सब पहुंचते हैं तो ढेर सारे फ्लेवर देखकर थोड़े कंफ्यूज से हो जाते हैं। ऐसे में दुकानदार बड़े मजे से, अरे भैया समझ नहीं आ रहा है तो सबसे बेस्ट और एवरग्रीन ऑप्शन है वेनिला, बस मस्त डबल स्कूप वेनिला के डाले और चटखारे लेने शुरू। लेकिन रुक जाइए थोड़ा, जब आपको पता चलेगा कि कितना नेचुरल, कितना प्राकृतिक है ये वेनिला फ्लेवर, तो आपकी प्रकृति और आपके चेहरे की पूरी आकृति चेंज हो जाने वाली है। ये जो वेनिला फ्लेवर है वो एक कैस्टोरियम नाम के कंपाउंड से आता है। अब मजे की बात कहें या दुख की बात समझ नहीं आ रहा है, पर आपको जैसे ही पता चलेगा कि ये कैस्टोरियम नामक पूरी तरह से नेचुरल चीज आती कहाँ से है, तो आप फुल ऑन स्टम्प्ड हो जाएंगे। कैस्टोरियम दरअसल बीवर नाम के जानवर के गूदे के पास के ग्लैंड से सिक्रीट होता है, फ्रॉम गूदा टू द आइसक्रीम। अब आप समझ लीजिए कितना ज्यादा नेचुरल है वेनिला फ्लेवर। जब कैस्टोरियम को बीवर की यूरिन में मिक्स किया जाता है तो बिल्कुल वेनिला फ्लेवर की तरह स्मेल करता है। हो गया नेचुरल फ्लेवरिंग सब्सटेंस, नहीं? मैक्सिमम कंपनीज जो वनीला का नेचुरल फ्लेवरिंग सब्सटेंस डालती हैं वो इसी को यूज करती हैं। तो अगली बार जब आप वनीला फ्लेवर का कुछ भी लें तो बीवर को याद करना बिल्कुल ना भूलें। अगला है बियर। पानी और चाय के बाद बियर दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली लिक्विड बेवरेज है। अगर आप वेजिटेरियन हैं और फिर भी बियर पीते हैं तो शायद आपको ये बात जानकर बहुत परेशानी होने वाली है। ये 7,000 सालों से मार्केट में चल रही है, लेकिन इसको बनाने का तरीका आज के दौर में बिल्कुल बदल चुका है। बियर जैसे पहले साफ सफाई से वेजिटेरियन रूप से बनती थी, सारे इंग्रेडिएंट्स को फर्मेंट करके फ्रेश वेसल में डाल करके फ्रेश रख के बनाई जाती थी, अब वैसे नहीं बन रही है। अब केमिकल फॉर्मूलेज आने के बाद में ज्यादा बेहतर, ज्यादा बेहतरीन तरीके से मार्केट करने के लिए लोग एक से एक चीज इसमें मिक्स करने लगे, जैसे कि आइसिंग ग्लास। आजकल की बियर्स में, बहुत से ब्रांड्स में आइसिंग ग्लास का इस्तेमाल हो रहा है ताकि बियर क्लियर दिख सके एकदम। पर आइसिंग ग्लास है क्या? आपको बता दें, दिल तोड़ने वाली बात है, आइसिंग ग्लास असल में मछली के सूखे हुए मूत्राशय का चूरा है। दिल जरूर टूटा होगा, लेकिन ये है तो वही। तो अब जब भी आप बियर पी रहे हैं तो सोच के चलिए कि आप मछली के सूखे हुए मूत्राशय का चूरा भी साथ में खींचे पड़े। तो अगर आप अगली बार पीना चाहते हैं तो भाई आपकी मर्जी, देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेड फूड कलर की। मार्केट में अधिकतर लाल दिखने वाली चीजें जैसे कैंडीज, बिस्किट्स, केक, जूसेस, यहाँ तक कि लिपस्टिक पर लाल रंग का जो इंग्रेडिएंट चढ़ता है वो किससे मिलता है ये जानेंगे तो आपके, मतलब क्या बोलना चाहिए, होश पूरी तरीके से उड़ ही जाएंगे। सन 2012 में ये इंग्रेडिएंट स्टारबक्स की फ्रैपचिनो में भी पाया गया था, मतलब इतने बड़े जो क्या बोलना चाहिए फूड चेन है वहां भी मिला था ये, जिस पर लोगों ने खूब हंगामा किया था। हालांकि बाद में स्टारबक्स ने इसका यूज करना बंद कर दिया था। इस इंग्रेडिएंट का नाम है कारमाइन, जिसे रेड फूड डाई भी कहते हैं, और ये सो कॉल्ड नेचुरल रेड कलर बनता है तो नेचुरल, लेकिन कैसा नेचुरल? प्लांट नेचुरल या एनिमल नेचुरल? ये असल में जो है कारमाइन, जो कलर है रेड कलर का, ये क्रश्ड इंसेक्ट यानी कि कुचले हुए स्पेशल किस्म के कीड़ों से इसका रंग मिलता है। लिपस्टिक में भी लगता है, सोच के देखिए। अगर आप इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं तो खुद इस तरह लाल दिखने वाली चीजों के इंग्रेडिएंट्स को चेक कीजिए, जिसमें आपको मिलेगा नाम कारमाइन, रेड डाई फूड, कॉकनियल एक्सट्रैक्ट। अब देखिए ये मिल ही जाएगा, ये तीनों उसी कॉकिनियल कीड़े के अलग अलग नाम है। कॉकिनियल कीड़ों को सुखाकर कुचलकर मिक्सर में सोक किया जाता है, जिससे कि ब्राइट रेड कलर बनता है। 1 पाउंड के लिए ऐसे 70,000 कीड़ों को कुचला जाता है। आप समझ लीजिए आप क्या ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं और लाल कलर की चीजें क्या क्या हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली बात कर रहे हैं आपके सबसे फेवरेट, बच्चों के सबसे फेवरेट और मोटे लोगों के लिए खास जो रहता है, बहुत ही पसंद उनको रहता है, वो है पोटैटो चिप्स।
इतना तो खैर आप समझते हैं, पोटैटो चिप्स हेल्दी नहीं होते, लेकिन हाई सोडियम सैचुरेटेड फैट और सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी इनमें कुछ ऐसा पाया गया है जिसे जानकर शायद आपका पोटैटो चिप्स खाने का मन हमेशा हमेशा के लिए ना करें। वो केमिकल कंपाउंड है सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, यहाँ तक कि टॉयलेट क्लीनर में भी इस्तेमाल होता है। टॉयलेट क्लीनर, पोटैटो चिप्स, क्या कॉम्बिनेशन है। सोडियम बाइसल्फाइड एक प्रिजर्वेटिव है जो चिप्स को लंबे समय तक खराब नहीं होने देता और टूटने से भी बचाता है। हेल्थ एजेंसीज का कहना है कि चाहे बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में सोडियम बाइसल्फेट सेफ है, लेकिन फिर भी यह फ्रूट्स वेजिटेबल के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। यहाँ तक कि 1986 में जब सोडियम बाइसल्फाइड को फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर लगाया गया तो उनको खाकर 13 लोगों की उसी वक्त मौत हो गई थी। इनमें से काफी लोग एस्थमेटिक पेशेंट्स भी थे। पोटैटो चिप्स बनाने वाली कंपनी का कहना है कि जब तक उन्हें इसका कोई बेहतर सब्स्टिट्यूट नहीं मिल जाता, वो इसके बिना अपना प्रोडक्ट नहीं बना सकती। तो भैया देख लो, अब अगर खाना है पोटैटो चिप्स तो संभल के खाओ, रहता है उसमें ये जो हम बता रहे थे अभी जो नाम था, लेकिन संभल लो भैया, ये खाना ठीक नहीं है आप सबके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली बात कर रहे हैं प्रोसेस्ड ब्रेड की। मार्केट में मिल रही फैंसी ब्रेड्स रेस्टोरेंट में जो मिलती है, एक से एक अलग अलग फ्लेवर की मिलती है, चॉकलेट फ्लेवर और फ्रूट फ्लेवर जो ब्रेड्स मिलती हैं और साथ में आपके केक्स जो मिलते हैं, इसमें एक स्पेशल चीज मिलाई जाती है, नाम है L-cysteine। कमर्शियली L-cysteine कंडीशनर की तरह इस्तेमाल होता है ताकि ब्रेड बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाए, अलग अलग शेप में, यहाँ तक कि बिस्किट्स और बाकी सारी चीजों में भी इसका इस्तेमाल होता है। वैसे L-cysteine के साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि L-cysteine को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बालों से। जी हाँ, बालों से। रिपोर्ट्स में पाया गया कि चाइना के सलोन में कटे हुए बालों को जमीन से उठा उठा के उनको एसिड में डिजोल्व करके L-cysteine एक्सट्रैक्ट किया जाता है, चूसा जाता है उन बालों से, ताकि कमर्शियल ब्रेड बन सके। यूएसए में L-cysteine को डक फेदर से बनाया जाता है, नहीं कि बत्तखों के बालों से बनाया जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में जो माल आता है L-cysteine वाला, वो आता है चाइना के बालों से। अब आप समझ लो, चाइना इंसानी बालों से। तो अब जब भी आप ये सब खा रहे हैं तो देख लीजिए L-cysteine डला है कि नहीं डला है, डल गया तो फिर आप देख लीजिए, आप चीनियों के बालों का जो शोरबा है वो मस्त मिक्स करके खा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है च्युइंग गम। इतिहास की माने तो ह्यूमंस जो हैं, हम इंसान जो हैं, च्युइंग गम आज से 5 से 9 हज़ार सालों से चबा रहे हैं, लेकिन च्युइंग गम को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स पहले यूज़ किए जाते थे आज उनसे बिल्कुल अलग है। पहले दिनों में च्युइंग गम जो होती थी वो बोलना चाहिए कि आपको पेड़ से निकलती थी। आजकल बहुत ही रेयर कंपनी है जो पेड़ के अंदर से च्युइंग गम बनाती है, जो इंग्रेडिएंट्स पेड़ों से मिलते हैं उनसे च्युइंग गम बनाती है। मैक्सिमम कंपनीज एक सिंथेटिक इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कर रही हैं जो रबर जैसा मटेरियल, जिसका नाम है पॉलीआइसोब्यूटेनिल। ये वही मटेरियल है जिससे टायर ट्यूब्स मैन्युफैक्चर होते हैं। पॉलीआइसोब्यूटेनिल को फूड ग्रेड प्लास्टिक के साथ मिक्स करके च्युइंग गम बनाए जा रहे हैं। पॉलीआइसोब्यूटेनिल को यूज करने का रीजन यही है कि बहुत इजीली अवेलेबल है और इससे च्युइंग गम सस्ते में बनके तैयार हो जाती है। तो आप देख लो भैया, आप क्या चबा रहे हो, ये मैन मेड पॉलीमर है, आप इसे चबा रहे हैं, टायर ट्यूब में भी लगता है, तो देखो भैया क्या चबा रहे हो आप। आगे, अब इसके बाद जो सबसे बेहतरीन है वो है चिकन नगेट्स। अब हम यहाँ किसी चेन का स्पेशल नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ आपको चिकन नगेट्स मिलते हैं वो बनते कैसे हमको बता दें आपको। ये इसका प्रोसेस ऐसा है कि ये चिकन को मैकेनिकली सेपरेट करते हैं। बेसिकली चिकन को लार्ज ग्राइंडिंग मशीन्स में डाला जाता है जिससे कि चिकन की चटनी सी बन जाती है। इसमें चिकन के सभी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि चिकन की हड्डी, आँखें, चोंच, सब रहता है। मतलब कि जो पार्ट्स आप नहीं खाना चाहेंगे वो भी रहता है इसे। और फिर बेहतर बनाने के लिए इस मिक्सचर को अमोनिया गैस के चेंबर से पास किया जाता है ताकि अगर कोई वेस्ट में कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो वो मर जाए। फिर नगेट्स को आर्टिफिशियल कलर करते हैं ताकि वो अजीब सा दिखने वाले पिंक कलर हट जाए। और क्या आप जानते हैं कि रेस्टोरेंट में मिलने वाले चिकन सॉसेज जो होते हैं वो इतने शाइनी कैसे होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो शाइनी पार्ट है वो बनता है एनिमल इंटेस्टाइन से, आंतों से। और तो और, ये आजकल काफ़ी नोन है कि जो चिकन के पार्ट्स यूज़ में नहीं आते उनको मिक्स करके ही बनाए जाते हैं चिकन सॉसेज। तो अब जब आप चिकन सॉसेज खाएंगे तो देख लीजिए आप चिकन का क्या क्या खा रहे हैं ना। अगली बार जब आप चिकन नगेट्स खा रहे हैं तो आप श्योर नहीं हो सकते कि आप चिकन का कौन सा पार्ट चबा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से बाहर की बड़ी बड़ी फूड कंपनियां क्या मस्त चूना लगा रही हैं इंडियंस को, हम लोग मस्त चूना लगवा रहे हैं। और जो पाश्चात्य कल्चर है, वहाँ का जो फूड है, वहाँ का जो फूड ईटिंग हैबिट्स है उसको हम लोग पूरी तरीके से अपना रहे हैं, अपना सब कुछ खोते जा रहे हैं। एक्स्ट्रा पैसे देते हैं चकाचौंध भरी दुकानों और इन फूड चेन्स को, लेकिन हम कहीं अपने खुद की रेसिपीज को भूलते चले जा रहे हैं। अभी समय है कि हम अपने बच्चों को, अपनी नई जनरेशन को वो फ्लेवर टेस्ट कराएं जो वाकई में नेचुरल हो, कैस्टोरियम जैसा नेचुरल नहीं जो कहाँ से आते हैं तो पता है ना आपको, पॉइंट नंबर 1 में बताया था। तो देख लीजिए, ये सब चीज़ें हैं, हो रही हैं आपके आसपास। तो अगली बार जब इन फूड्स को आप ट्राई करना चाहें तो इस वीडियो को याद करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि जितने हैं जो ये चटोरे लोग हैं, जो जाके जितने भी बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े फूड चेन्स होते हैं, वहाँ लाइनें लगाते हैं, उनकी थोड़े दिमाग में बात घुस जाए किसी तरीके से। तो मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।